सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। सो अभी जो आप सामने देख रहे हैं, यस ये किया सोनेट आप सामने देख रहे हैं, ये टेक लाइन का मिडिल वेरिएंट है HTK प्लस। इसके नीचे दो वेरिएंट आते हैं टेक लाइन में जो कि HTE और HTK है। इसके ऊपर भी दो मॉडल आते हैं जो कि HTX और HTX प्लस है। ये मिडिल वेरिएंट है इसीलिए HTK प्लस, और GTX प्लस ये वाला वेरिएंट है। सो ओवरऑल टोटल 6 वेरिएंट्स में ये गाड़ी ऑफर की जाती है। सो ये एज मिडिल वेरिएंट है एंड दिस कुड बी द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सी एसेंशियल चीज़ें एंड एसेंशियल से ऊपर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है एट द प्राइस सेगमेंट व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। सो गाइज, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरे वीडियो के लिए अंत तक बने रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट आप फ्यूचर में बिल्कुल भी मिस ना करें। एंड ऑल्सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक शिवाय ऑटो ट्रेड। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, वो क्यों हैं? अगर आप सोनेट के लिए, सेल्टॉस के लिए या कार्निवल के लिए प्लान कर रहे हैं सो यू कैन प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन या क्वेरी होगी आप पूछ सकते हैं। इवन रिगार्डिंग क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए कोई भी एडिशनल ऑफर्स एप्लीकेबल हुए तो आपको अपने आप पता चल जाएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइजिंग से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किया सोनेट की अगर मैं प्राइजिंग की बात करूँ तो 6.71 लाख से स्टार्ट होती है बेस वेरियंट से, और 12.99 लाख तक इसकी प्राइजिंग जाती है। इस वाले वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रॉपरली गो थ्रू कर सकते हैं जो इसकी ऑन रोड प्राइस है। अब यहाँ पे अगर मैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से स्टार्ट करूँ गाइस, सो यहाँ पे हेडलैम्प से स्टार्ट कर लेते हैं। सो ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है सेम लाइक द GTX वेरिएंट, उसका भी रिव्यू किया है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। द डिफरेंस इज़ ये एज दिस इज़ अ टेक लाइन मिडिल वेरिएंट, सो इसमें आपको हैलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा सच प्रोजेक्टर इनमें नहीं मिलता एंड आपको इसमें जो ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फंक्शन मिल जाएगा एंड फॉलो मी होम फंक्शन इसमें आपको मिल जाता है। अच्छी विजिबिलिटी देते हैं इन द नाइट टाइम, काफ़ी अच्छी। ये इसके टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये टर्न इंडिकेटर है। नीचे आपको प्रोजेक्टर सेटअप फॉग लैम्प मिल जाएगा इसमें येलो कलर का। दिस इज़ उसकी हाउसिंग, आपको क्रोम इंसर्ट एज वेल एज ब्लैक पियानो फिनिश में नीचे मिल जाएगी। बात करें ग्रिल की, टाइगर नोज ग्रिल है जो कि आपको इस मिडिल वेरिएंट में आपको क्रोम का पैनल यहाँ मिल जाएगा देखने को एंड द ब्लैक पियानो फिनिश ट्रीटमेंट इनसाइड द ग्रिल जो कि अच्छा भी लग रहा है। ये किया का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमिंग टू द लोअर बम्पर, सो यहाँ पे एज सच आपको कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते बट ये इसका फ्रंट टोइंग हुक है। यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ग्रे इंसर्ट में स्किड प्लेट्स मिल जाएंगी जो कि ऊपर तक वो काइंड ऑफ फॉक्स जैसी दिखती हैं, काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये जो प्रॉपर हाउसिंग आप देख सकते हैं, नीचे की ग्रिल एडाम की अगर मैं बात करूँ वो प्लेन है, एज सच कोई स्क्वायरिश या हेक्सागन डिज़ाइन आपको उसमें नहीं मिलेगा बट दिस लुक्स गुड। काफ़ी बड़ा है, एयर फ्लो अच्छा होगा, एरोडायनामिक्स भी अच्छे करेगा गाड़ी के लिए अगर हम प्रैक्टिकल्स इसमें बात करें। देन कमिंग टू द साइड, वो साइड से चलते हैं पहले। सो गाइस, बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे व्हील क्लैडिंग, आपको डोर क्लैडिंग देखने को मिलेगी अक्रॉस द साइड। देन यहाँ पे इसके ORVMs हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हैं एट दिस प्राइस सेगमेंट जो ये मिडिल वेरिएंट है। बी पिलर्स ब्लैक्ड आउट हैं, ऊपर रूफ रेल्स आपको मिल जाएंगी सिल्वर इंसर्ट में जो अच्छी लग रही हैं। टॉकिंग अबाउट द टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन, सो यहाँ पे आपको MRF का टायर मिलता है, आपको 215 सेक्शन 60R 16 इंच के स्टेनलेस स्टील व्हील मिलते हैं, इसमें आपको अलॉय व्हील नहीं ऑफर किया जाता। आगे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। बात करूँ सस्पेंशन सेटअप की, मैकफर्सन स्टार्ट विद कॉइल स्प्रिंग आपको आगे मिल जाएगा एंड रेयर में अगेन 16 इंच के स्टेनलेस स्टील व्हील हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा एंड सस्पेंशन रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो कपल टॉर्शन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग आपको पीछे मिल जाएगा। सो जिसकी वजह से इसके जो सस्पेंशन सेटअप हैं वो काफ़ी अच्छी स्टिफ राइड क्वालिटी देते हैं, आई मीन विच इज़ गुड स्मूथ राइड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग द सस्पेंशन। डोर हैंडल्स की बात करूँ एज सच कोई फैंसी नहीं है, नॉट इन क्रोम, बॉडी कलर में ही आपको मिलते हैं। सो साइड की बात हो चुकी है, ये इसका फ्यूल लेड है,
देन यहाँ पे आपको जो ये सी पिलर है, ये ग्लॉस ब्लैक में मिलता है, स्ट्रिप्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, दिस लुक्स गुड। टॉकिंग अबाउट द रेयर प्रोफाइल ऑफ द कार, सो गाइज यहाँ पे आपको हैलोजन टेल लैम्प इसमें देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट है, ये दिस इज़ हैलोजन टेल लैम्प, आपको यहाँ पे इंसर्ट मिल जाता है। ये जो बार है कनेक्टिंग फीचर का, यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलता है जो कि अच्छा भी लग रहा है एज सच। अगर आप इस पर सोनेट पे देखेंगे, ये रिफ्लेक्टर है एंड ये यहाँ तक टेल लैम्प है, ओके स्प्लिट टेल लैम्प है, आधा टेल गेट पे है आधा बॉडी पे है। सोनेट की बैजिंग क्रोम में है, एज दिस इज़ अ 1 लीटर TGDI है तो उसकी बैजिंग यहाँ मिल जाएगी आपको। किया का लोगो यहाँ है, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है। देन टॉकिंग अबाउट द लोअर बम्पर, सेम आगे के जैसे हाउसिंग मिल जाएगी आपको, काफ़ी अच्छी लगती है, जो कि स्किड प्लेट्स का ही काम कर रही है, अच्छी लग रही है। काइंड ऑफ स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ, ब्लैक पियानो फिनिश की ट्रीटमेंट दोनों साइड पे मिल रही है, जो कि थोड़ा बहुत फेक एग्जॉस्ट टिप का भी काम कर रहा है, जो कि गाड़ी की प्रेजेंस और अच्छी कर रहा है। रिफ्लेक्टर्स यहाँ मिल जाएंगे, दो पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे पीछे, जो कि मुझे लगता है तीन होने चाहिए थे, एक यहाँ दो यहाँ पे और एक सेंटर में होना चाहिए था, जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से मैंडेटरी होना भी चाहिए था। ऊपर शार्क फिन एंटेना है, हाई स्टॉप माउंट लैम्प यहाँ है, कोई इसमें रेयर वॉशिंग वाइपर नहीं मिलेगा आपको, बट रेयर डिफॉगर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो ये था रेयर प्रोफाइल के बारे में। दी अदर साइड इज सेम एज वेल, कोई चेंजेस नहीं है, कोई पैसिव रिक्वेस्ट बटन नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। देन 7-speed DCT की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी फेंडर पे जस्ट ऊपर की तरफ, एंड टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। बाय द वे दीज टर्न इंडिकेटर्स आर LED, ये अच्छे लगते हैं, सो LED इंसर्ट आपको एक जगह पे मिला है। सो गाइज अंदर चलते हैं अब और देखते हैं क्या हमें गाड़ी में देखने को मिलता है गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलेगा, जो कि ऑल ब्लैक कलर में है, अच्छी लग रही है गाड़ी, अंदर से स्पोर्टी लगती है जस्ट लाइक द GTX वेरिएंट। डोर ट्रिम से अगर मैं स्टार्ट करूं, सो सिल्वर इंसर्ट में हैंडल बार मिल जाएगा जो कि स्ट्रेच्ड आउट है यहां तक। ट्विटर्स की प्लेसमेंट यहां है, यहां नहीं है, ये जस्ट एक पैटर्न दिया है जो कि अट्रैक्टिव भी लग रहा है। ORVM के कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक बटन, ड्राइवर साइड वन टच अप वन टच डाउन है, बाकी सारी आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिक विंडोज़ हैं। ये विंडो लॉक बटन है। देन यहाँ पे क्वालिटी अच्छी है, आई वुड नॉट से चीप, इट्स अ गुड क्वालिटी, जो प्राइस सेगमेंट में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। बहुत ही स्टिफ हैंडल बार है इसका यहाँ पे। देन ऑन द लोअर साइड स्पीकर सिस्टम यहाँ मिल जाते हैं आपको, इसमें 6 स्पीकर सिस्टम मिलते हैं चारों डोर्स में और 2 ट्विटर्स आगे मिल जाते हैं आपको। इन स्पीकर सिस्टम पे ऑलरेडी वीडियो मैंने किया है गाइस, प्लीज़ चेक इट आउट ऑन माई चैनल। प्लीज़ अच्छा क्वालिटी आउटपुट आपको मिलता है इनमें अगर आप प्लान कर रहे हैं बाय करने का। नीचे 1 लीटर बॉटल स्टोरेज है, डोर पॉकेट्स डिसेंट इनफ है, और यहाँ पे आपको एक अम्ब्रेला होल्डर भी दिया है, छोटी अम्ब्रेला साइज़ की अम्ब्रेला आप यहाँ डाल सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स, सो यहाँ पे आपको फैब्रिक प्लस लेदर अफॉल्स्ट्री की सीट्स मिलेंगी, साइड में आपको लेदर मिल जाएगा, बीच में आपको फैब्रिक विद आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ दिस इज़ ग्रे कलर, बट स्टैंड आउट टू बी डेटोना ग्रे कलर का थोड़ा सा यहाँ थीम मिल जाता है आपको। बीच में आपको सिल्वरिश पार्ट का ये पार्ट मिलेगा, अच्छा लग रहा है। सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल है, ये वाली 8-way मैनुअली एडजस्टेबल है, पैसेंजर साइड 6-way मैनुअली एडजस्टेबल है, और पीछे वाली नहीं है बिकॉज उसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आता है, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। सो गाइज अंदर चलते हैं, सो इंटीरियर की बात कर लेते हैं पहले। अब मेरी हाइट 5'8" है तो मैं क्वाइट कंफर्टेबल हूँ यही हाइट के हिसाब से। पीछे भी हम नी रूम देखेंगे, अगर 5'8" का बंदा यहाँ गाड़ी चला रहा तो पीछे कितना नी रूम रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ गाड़ी की, कुछ ऐसी दिखती है, लॉक अनलॉक बटन और यहाँ पे बूट ओपनिंग के लिए बटन है। जब आप गाड़ी अनलॉक करेंगे ORVMs अपने आप बंद हो जाएंगे, अनलॉक करने पे अपने आप ओपन भी हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ बटन है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, ओके ओ सॉरी वो होता है चालू होने पे, यस ट्रैक्शन ऑफ बटन एंड हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिल जाएगा। उसकी हाउसिंग जो है फ्रेम की वो ब्लैक पियानो फिनिश में है,
एसी वैन से स्टार्ट करते हैं। जो टाइगर नोज ग्रिल में आपको पैटर्न मिल रहा है आगे फ्रंट में, वो चीज आपको यहाँ भी मिलेगी, जो कि एक अच्छा टच दिया है, प्रीमियम लगता है। सिल्वर इंसर्ट में उसकी फ्रेम है एसी वैन्स की, और उनकी जो मैकेनिज्म है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी, जिस हिसाब से आपको ये चीज यहाँ मिलती है। देन सेम थिंग गोज विद अदर थ्री, एंड ऑल्सो कैबिन बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, इट लिटरली फील्स वेरी प्रीमियम। टॉकिंग अबाउट द स्टेयरिंग व्हील, ओनली एडजस्टेबल फॉर रेक नॉट फॉर रीच। स्टेयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि एसेंशियल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल, और यहाँ MID से जुड़े हुए कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता इसमें। देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वाइपर से जुड़े हुए कंट्रोल्स। वाइपर जब भी आप स्विच करेंगे, जो भी लेवल होगा आपका वो MID में भी दिखाएगा, विच इज़ गुड पार्ट। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड आपके टर्न इंडिकेटर से जुड़े हुए कंट्रोल्स। सेम थिंग गोज विद दिस, हेडलैम्प की जो भी आपकी आप इसको ऑटो पे डालेंगे या जैसे भी करेंगे, वो इंडिकेशंस आपको वहाँ पे दिखाएगा। देन मैं गाड़ी चालू कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। सो यहाँ पे बटन्स के अराउंड सिल्वर इंसर्ट मिल जाएगा, 3-spoke स्टेयरिंग व्हील है, कोई फ्लैट बॉटम आपको नहीं मिलता, बट यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिलता है, जो कि अच्छा लग रहा है। सॉफ्ट टच मटेरियल यूज हुआ है स्टेयरिंग व्हील पे, जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है। ये इसका हॉर्न है, काफी लाउड इनफ है, अंदर भी अच्छी आवाज आ जाती है, बाहर तो और भी ज्यादा है। वाइपर का थ्रो भी काफी अच्छा है गाइज, आप चेक कर सकते हैं। जल्दी दो स्प्रे मिलते हैं, काफी स्प्रेड आउट होते हैं, जल्दी आपका कांच साफ हो जाता है। यहाँ पे बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो एनालॉग प्लस डिजिटल है। आप यहाँ पे टैकोमीटर देख सकते हैं, यहाँ पे आप फ्यूल गेज एंड योर हीटिंग थिंग आप देख सकते हैं। बीच में आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, इसमें फ्यूल इकोनॉमी आपको MID डिस्प्ले में शो करेगा, एज वेल एज यूजर सेटिंग्स आपको यहाँ पे दिखा देगा। देन यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड इन्फो भी दिखाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ, यस ये एक्यूमुलेटेड इन्फो है। देन आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, फ्यूल इकोनॉमी एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे दिखाएगा। अब गाड़ी काफ़ी टाइम से खड़ी थी, इसलिए वहाँ माइलेज थोड़ा अलग शो कर रहा है, बट यस ये था प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। उनमें जो इल्यूमिनेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, सूरज सामने रहा फिर भी अच्छे से दिखेगा आपको ये चीज़। ऊपर की बात करूँ सनवाइजर्स में, टोल रिसिप्ट होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा आपको, पैसेंजर साइड पे वैनिटी मिरर मिल जाएगा। कैबिन लाइट्स की बात करूँ, यस दीज आर कन्वेंशनल कैबिन लाइट्स, काइंड ऑफ लुक्स लाइक एन LED, बट यहाँ पे आपको कन्वेंशनल ही मिलती हैं। देन यहाँ पे सनशेड होल्डर आपको मिल जाएगा ऊपर, एज सच इस वेरिएंट में कोई सनरूफ नहीं आता। फिक्स्ड हैंडल बार है, दीज आर नॉट रिट्रैक्टेबल, जो भी आप देख रहे हैं गाड़ी में। ओवरऑल टॉकिंग अबाउट द डैशबोर्ड क्वालिटी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो यहाँ पे मटेरियल यूज किया है Hyundai एंड किया, लिटरली दे चूज अ वेरी नाइस मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। स्क्रैच प्रूफ है, ईजिली स्क्रैच नहीं होगा। यहाँ पे ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट में डिसेंट इनफ स्पेस है। इन्फोटेनमेंट की मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट देन स्टिल दिस सपोर्ट्स एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटी, जिसमें आप दो फोन को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इवन USB कंपैटिबिलिटी आपको इसमें मिल जाती है। गुड पार्ट अबाउट दिस इन्फोटेनमेंट इज थोड़ा छोटा है, जैसे कि आप GTX में आपको 10.25 इंच का मिलता है, तो यहाँ पे आपको छोटा वाला टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि इतना ही है। GTX में आपको एंड टू एंड मिल जाता है यहाँ तक, बट द गुड पार्ट अबाउट दिस इज यस आपको बटन्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर ड्राइवर इसको नहीं चलाना चाहता टच स्क्रीन से, तो वो इससे चला सकता है। देन रिगार्डिंग द अगर मैं रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूँ, सो अडैप्टिव गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं, आपको इसमें अडैप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती हैं, जो कि कैमरे का विजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज़ ओके। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी HD क्वालिटी है, बट इट्स ओके एट दिस प्राइस सेगमेंट। देन टॉकिंग अबाउट, इसमें नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिल जाता है, सो गुड इन्फोटेनमेंट सिस्टम ओवर हियर। प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियो जो मैंने अपलोड की है अभी एक या दो दिन पहले। सेंटर इसकी बात करूं कंसोल की, हैजर्ड बटन यहाँ मिल जाएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल से जुड़े हुए सारे बटन्स आपको यहाँ पे है। अच्छी बात यह है सभी कुछ रीच में है, एवरी बटन इज इन रीच। एर्गोनॉमिकली बहुत ही अच्छे डिजाइन किए हैं यहाँ पे, जो इसका ओवरऑल इंटीरियर है। द एसेंशियल चीजें मैंने आपको बताई थी आपको मिलती हैं, एसेंशियल से ऊपर जो मैंने आपको बताई थी वो थी ड्राइव एंड सॉरी यहाँ पे आपको ड्राइव एंड ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है। ट्रैक्शन में आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है स्नो, मड एंड सैंड,
एंड ड्राइव में आपको मिल जाता है इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, तो आप अपने हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। कमिंग टू द लोअर साइड, यहाँ पे आपको थोड़ा एक स्टोरेज मिल जाता है फोन रखने के लिए, जो कि अच्छी चीज है। नीचे और स्टोरेज आपको मिल जाता है, उसी के साथ 12 वी का चार्जिंग सॉकेट, 1 USB पोर्ट फॉर द एंड्रॉइड ऑटो और द एप्पल कार प्ले, एंड यहाँ पे फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट आपको मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द गियर नॉब, 7-speed DCT ट्रांसमिशन आप यहाँ देख सकते हैं। उसकी हाउसिंग लेदर अपहोल्स्ट्री में आपको मिल जाएगी, काफी अच्छा गियर नॉब है। साइड में यहाँ पे एल्यूमिनियम फिनिश मिल जाएगा, जो कि अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है इस गियर नॉब को पकड़ने में, जिस हिसाब से ये एर्गोनॉमिकली डिजाइंड है, PRND एंड आप उसको प्लस एंड माइनस रिगार्डिंग योर, जो आप मैनुअली जा सकते हैं। देन गाइज, देन इसकी जो फ्रेम है वो भी सिल्वर इंसर्ट में है। अब जो पैटर्न यहाँ मिल रहे थे वो पैटर्न आपको यहाँ भी मिल रहा है, अगर आप देखेंगे, यस, आपको पैटर्न यहाँ भी मिलेगा, जो कि अच्छा लग रहा है। कमिंग बैक, हैंडब्रेक की टिप ब्लैक में है, कोई लेदर इसमें नहीं मिलेगा नीचे की तरफ। दो कप होल्डर्स यहाँ मिल जाएंगे, और ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये किया की किया कहता है, ये आपके फोन्स के लिए, जस्ट आप अपना फ़ोन ऐसे रख सकते हैं इसमें, देखिए आप ऐसे अपना फ़ोन रख सकते हैं, विच इज़ रियली गुड पार्ट। देन यहाँ पे बात करूँ आर्मरेस्ट की, तो यहाँ सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कुशन है, इसमें स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है, डिसेंट इनफ। ड्यू टू हैंड ब्रेक थोड़ा स्पेस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अगर आप देखें ध्यान से ये पार्ट, नहीं तो अच्छा खासा स्पेस रहता है इसमें। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं है गाइस। IRVM की बात करूँ तो मैनुअली एडजस्टेबल है, ऑटो डिमिंग नहीं है, तो दिस इज द थिंग। सो गाइस, ये था ओवरऑल फ्रंट कैबिन के बारे में, सभी कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, इट्स रियली गुड, मुझे अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, बट सीट का कंफर्ट अच्छा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, तो आप लॉन्ग ट्रिप पे कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिगार्डिंग द कन्वीनियंस, एवरी एसेंशियल फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, एवरी बटन इज इन रीच, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइट एडजस्टेबल सीट है, रेक के लिए आपको यहाँ पे एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, तो कन्वीनियंस के हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या हमें पीछे देखने को मिलता है। सो गाइज, अगर मैं यहाँ पे रेयर डोर ट्रिम की अगर मैं बात करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट में हैंडल बार मिल जाएगा, कोई प्लास्टिक में आप बोल सकते हैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सेम एज द फ्रंट यूज़ किया है, हार्ड प्लास्टिक है, हालांकि स्पीकर सिस्टम नीचे है, 1 लीटर बॉटल स्टोरेज एंड कुछ डिसेंट इनफ डोर पॉकेट, बहुत ही छोटा सा है, थोड़ा और बड़ा हो सकता था, बट नेवर माइंड। सीट्स की बात करें, लेदर प्लस फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ मिलेगी, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल नहीं है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता, मैं बोलने वाला था आर्मरेस्ट मिलता है, बट नो आर्मरेस्ट ओवर हियर। सी, कंसिडरिंग द प्राइस सेगमेंट, आई टोल्ड यू ऑलरेडी एसेंशियल चीज़ें हैं। अब 5'8" के हिसाब से मैंने इस चीज़ सीट को मैंने एडजस्ट किया था, उस हिसाब से देखिए मैं वापस पीछे आके बैठा हूँ, मेरी हाइट का बंदा अगर 5'8" बैठता है, स्पेस इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, कम ही है, बिकॉज गाइस किया सोनेट का आप सभी जानते हैं बूट स्पेस बड़ा है, उसी वजह से रेयर कैबिन स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है इसमें। 3 लोगों के लिए इट इज़ ओके, अगर बीच में कोई बच्चा बैठता है, अदर देन दैट 4-4 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल कार है। क्वार्टर ग्लास आपको यहाँ मिल जाएगा, ताकि आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना करें इसके रेयर कैबिन में, एज आई टोल्ड यू थोड़ा छोटा है। इसका हम्प लोअर साइड में है, सो मिडिल पैसेंजर, बीच में जो बच्चा बैठेगा उसको लेग्स अपने डिवाइड नहीं करने पड़ेंगे, दोनों साइड पे अच्छे खासे फिट हो जाएंगे वहाँ। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं, जिससे आप डायरेक्शंस अपनी चूज़ कर सकते हैं। नीचे फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट है यहाँ, एंड कुछ स्पेस है मोबाइल फ़ोन रखने के लिए। फिक्स्ड हैंडल बार आपको यहाँ मिल जाएंगे, कैबिन लाइट्स अगेन कन्वेंशनल हैं यहाँ जो आपको मिल रही हैं। सीट पॉकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, फ़ोन रखने के लिए जगह, और नीचे मिल जाती है आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर रखने के लिए। बटन्स अच्छे खासे हैं, आप बोल सकते हैं 90% तक आपकी विंडो नीचे जा रही है, इससे नीचे नहीं जाती, आगे वाली फुल जाती हैं, बाकी पीछे की 90% जाएंगी, नॉट 100%। सो गाइज, ये था ओवरऑल इसके रेयर कैबिन के बारे में। रिगार्डिंग गाइज, अगर मैं इंजन की बात करूँ, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके इंजन रिगार्डिंग डिटेल्स,
एंड इवन द ट्रांसमिशन, जो भी पावर एंड आपको टॉर्क आउटपुट मिलता है, माइलेज भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। सो गाइस, ये था ओवरऑल यहाँ पे सोनेट के बारे में जो भी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। मुझे लगता है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, बिकॉज एसेंशियल चीज़ें आपको मिल रही हैं। हाँ, हेडलैम्प में फॉलो मी होम फंक्शन एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल रहे हैं आपको, ट्रैक्शन ऑफ एंड ड्राइव ऑप्शन आपको अंदर बटन मिल रहा है उसका। सो आपको अगर कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो दोस्तों, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं शिवाय ऑटो ट्रेड के, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय गाइज, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।